मोदी जी के लिए अलग अलग अभियान जो रिस्पेक्टिव टीम है वो चलाएगी। मेरा काम है यहाँ के लोगों में जागरूकता देना, तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन हमारी टीम उसके ऊपर मुस्तैद है। मैंने जो कहा था वो ये था कि उनका ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी की तरह इस्तेमाल होता है, और इसीलिए वहाँ महिला सशक्त नहीं है। अगर होती तो हमारे देश में इतने बार महिलाओं के ऊपर यौनाचार हुआ है, उसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाई। और मीनाक्षी लेखी जैसे बड़े सांसद पत्रकार से सवाल से भागते हुए हमको दौड़ते हुए दिखे हैं। मैं ये कह रही हूँ, चादर से बाहर पैर पसारने वाली सरकार और घोर भ्रष्टाचार, इसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो हमने बात की है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो चीज़ें समय समय पर आई हैं उसके ऊपर हमने अपनी बात रखी है। आपको इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र पता होगा कि वो 2024 के चुनाव के लिए है, तो 2024 के चुनाव में हम इकट्ठा हैं। उसके अलावा सभी के पास लोकतंत्र है, सब अपने अपनी तरह से पता है। मैं कर्ज के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे ऊपर कर्ज होता है तो हम अपने आय के साधन बढ़ाते हैं, और हम दोबारा लोन नहीं लेते कि लोन से लेकर दूसरा लोन चुकाएंगे। तो आय के साधन यानी कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, प्रदेश में रोजगार आना चाहिए। मालनपुर टेकनपुर जैसी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह में नए उद्योग आने चाहिए या उन्हें रिवाइव किया जाना चाहिए। नहीं, मैंने तो रोप वे को लेकर बात की थी जिसका 2-2 बार शिलान्यास हुआ है, और मैं जानना चाहती थी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। भाजपा के लोग भी आए हैं और उनका कहना ये है कि जिनकी साख होती है उन्हीं को कर्जा मिलता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिनकी साख होती है उन्हीं को कर्जा मिलता है, उन्हीं को कर्जा मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी की साख तो है, आप सब कर्ज में जीते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही लोग हैं जो कहीं से भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनको यही जवाब दीजिए कि अगर साख हो तो हम कर्ज लेंगे तो साख तो खत्म हो जाएगी ना। तो जो इतने कर्ज में डूबा हो उसकी क्या साख होती है? आप देंगे किसी को उधार जो कर्ज में डूबा होगा? आप भी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी को गंभीरता से मत लीजिए, अब समय खत्म हो लीजिए। अभी क्या है कि वो इतना अपने आप में भर गए हैं, अब उसको गंभीरता से मत लीजिए। यही कह सकती हूँ, और क्या कह सकते हैं। आपको ये भी पता है कि एक तो नारी सम्मान योजना की बात की है, 100 यूनिट माफ 200 हाट हाफ। आप सब ने एक कम बिजली का आनंद उठाया है, कम बिजली के बिल का आनंद उठाया है 1.5 साल में। तो आप जानते हैं 500 रुपये में जो सिलेंडर दिया जाएगा वो, ऐसी हमारी 5 योजना है। उसके अलावा राम वन गमन पथ के बारे में भी बात की है, शिप्रा नदी के बारे में भी बात की है। तो ये सारे काम जो किसानों का, जो कर्ज माफी का हमारा अभियान पहले भी था, जो अभी हम उसको पूरा करेंगे, तो ये सारी चीजें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।